गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास सेकंड की हिंदी, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी पार्ट आठ, प्रातःकाल। प्रातःकाल मतलब क्या होता है? सुबह, जो सवेरे हम जागते हैं ना, प्रातः ना, और सुबह का समय। इसकी प्रस्तावना है, प्रातः मतलब सुबह, प्रातःकाल। बाहर घूमने में घूमने खुले में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है ना। हम सुबह जब उठते हैं और घूमते हैं तो हमारे लिए ये क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। इस पार्ट में यही बात बताया गया है ना। यहाँ से मैं आप अर्णव और महक छुट्टियों में अपने मामा नवीन के गांव आए। यहाँ उनको बहुत अच्छा लगा। कहाँ शहरों का शोरगुल एवं धुआं और कहाँ यहाँ की शांति और खुली हवा। दिन भर में अपने दोस्तों के साथ खेलते रहे, रात को उन्हें खूब नींद आई। कल सवेरे सवेरा हो गया, पता ही नहीं चला। अवर्ण की नींद खुली तो उसने देखा कि मामा जी कहीं जा रहे हैं। उसने पूछा, मामा जी सवेरे सवेरे आप कहाँ जा रहे हैं? अर्णव, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी चलना चाहो तो जल्दी तैयार हो जाओ। सवेरे सवेरे खुली हवा में घूमने से शरीर तंदुरुस्त, मन खुश रहता है और बुद्धि भी तेज होती है, मामा ने हंसते हुए कहा। देखो महक भी तैयार हो गई है। हाँ मामा जी, मैं भी घूमने चल रही हूँ, महक ने कहा। अर्णव तो एकदम खड़ा हो गया, और उसे घूमने का तो बड़ा शौक है, पर वह स्कूल के खेल और कूद और दौड़ में हिस्सा नहीं ले पाता क्योंकि वह कमज़ोर है। मामा, अर्णव और महक के साथ घर से निकलकर शहर पर आ गए और तेज कदमों से चलने लगे। सड़क के दोनों ओर हरे भरे खेत थे जिसमें फसलें लहरा रही थी। पक्षियों और की मीठी आवाज़ें कानों को बड़ी अच्छी लग रही थी। महक ने पूछा, मामा जी आप इतनी तेज़ी से क्यों चल रहे हो? मामा ने समझाया, बेटे तेज चलने से हमारे शरीर में फुर्ती आती है। हम जहाँ गहरी सांस लेते हैं तो फेफड़े ताकतवर बनते हैं, उनकी गंदी हवा बाहर निकलती है और हमें कई रोगों से छुटकारा मिलता है। सवेरे की खुली हवा 100 दवाओं के बराबर है। पूर्व दिशा में की ओर से सूरज झांकने लगता था, उसकी मीठी मीठी धूप अच्छी लग रही थी। मामा जी ने कहा, सवेरे घूमने से हमें सूरज की धूप का लाभ भी मिलता है, उससे हमारे शरीर में फुर्ती आती है और रोगों के लड़ने की ताकत भी बढ़ती है। अर्णव ने पूछा, मामा जी हमारे विद्यालय में कुछ लड़के कसरत करते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ दौड़ते हैं, उनका शरीर खूब ताकतवर है, मुझे शरीर की मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मामा जी ने अर्णव के कंधों को थपथपाते हुए कहा, जिनका शरीर कमज़ोर है उनके लिए खुली हवा में घूमना सबसे अच्छा व्यायाम है। बालक, जवान, बूढ़े सब इससे लाभ उठा सकते हैं। इस कसरत से थकान भी कम आती है और पैसा कुछ भी खर्च नहीं होता। हरे भरे खेतों के पास खुली हवा में घूमने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह लाल हो जाता है। मामा जी की बातें सुनते सुनते अर्णव के और महक के चेहरे भी लाल हो गए। डॉक्टर अपने रोगियों की खुली हवा में घूमने की सलाह देते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है 100 दफ़ा कि एक दवा खुली हवा, मामा जी ने कहा और तेज कदमों से चलने लगे। अर्णव और महक भी खिलखिलाते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको पार्ट बताया, इस पढ़ के सुनाया, इसमें मैंने आपको ये बताया कि जो बच्चा रहता है वो बाहर नहीं घूमने जाता है, मगर जो मामा जी थे उन्होंने उसको बताया कि कैसे घूमने बाहर जाते हैं जिससे कि बच्चे तंदुरुस्त होते हैं और उनको रोग नहीं होता है। तो बच्चों, आपको भी इसी तरीके से करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।